दोस्तों, एक बार फिर कदम रखते हैं मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की दुनिया में और सुनते हैं कहानी खास वाली। यह खूबसूरत कहानी इस बात को दर्शाती है कि मनुष्य के चरित्र को उसकी हैसियत से नहीं आंका जा सकता। तो चलिए फिर सुनते हैं कहानी खास वाली। मुलिया हरी भरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब ना दिया, उसकी आंखें डबडबा गईं। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं, हुआ क्या है, अच्छी तो हूं। महावीर ने मुलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने बात टालकर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मुलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलबों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया नीची आंख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुर्ख आपके पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, ना जाने ये कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मुलिया के लिए हृदय का शूल थी। प्रभात का समय था, पवन आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा है, आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मुलिया सिर पर झउआ रखी घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी, झउआ जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वे ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता? वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए, इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर ना दिया। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती, और सब तो चली गई? मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली ना जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा,
अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? वह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निभाना होगा? किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख के साए में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा पर कुछ बोल ना सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना तो जरूरी था। खास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम ना पड़े, ऐसी मजदूरी ही कौन मिलती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बधिया बैठ गई है, कोई सेंध भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपए उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपर मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मुलिया निहाल हो गई, बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे, जरा भी खड़खड़ाहट होती उसका जी सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो। मगर कोई नई बात ना हुई, ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था, खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमा हुई थी। मुलिया का जी ललचाया, यहाँ आध घंटे में जितनी घास छिल सकती है सूखे मैदान में दोपहर तक ना छिल सकेगी, यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मुलिया की छाती धक से हो गई, जी में आया भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए। पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूंगा, जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नजर ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं, जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छीलती क्यों नहीं, मैं तुझसे कुछ कहता थोड़े ही हूँ, यही रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूंगा। मुलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तुम उससे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देख कर आप ही आप हाथ बढ़ गए, मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा, जी मैं आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं, तभी से तुझे ढूंढ रहा हूं। आज तू इस रास्ते से चली आई, मैं सारा हार छानता हुआ यहां आया हूं। अब जो सजा तेरे जी में आवे दे दे, अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं शोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता तब तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती, किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है, मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से यह बात कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझसे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई।
चुपते हुए शब्दों से बोली, तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो ना मानोगे, तुम्हारा ब्याह हो गया है ना, या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट छलक पड़ी, बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है, क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उसमें से तो किसी से दया नहीं मांगते, क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहां तुम ना जाओगे, क्योंकि वहां जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीची जाती हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी घुड़की धमकी या जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ, इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं, मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया, इसलिए ना कि जानते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है, फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था, उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो, मुंह से बात ना निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी ना था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ, मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइज, कोई कोचवान और कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वे औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं, उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं, लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ, मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ, वह किसी दूसरी मेहरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता, इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूं। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूंगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना, आज मुझे माता निकल आए कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं, बोलो झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार ना कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाएं, तब भी वह मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है, और सब कुछ जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है, और वह सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था, मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसी उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है, जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामनी के शब्द जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था, बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी। असामी उससे थर थर कांपते थे, मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर जो ही उसने पीठ फेरी और उन्होंने चिलम पीना शुरू किया, सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियां देते थे।
मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन संध्या समय चैन सिंह खेत देखने गया। पुर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बाहर चला जाता है। क्यारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर क्यारी बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन की मजदूरी काट लेता, अपुर चराने वालों को घुड़कियां जमाता। पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबरा कर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर कांपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बुढ़ाऊ कई दिन से दिखाई नहीं दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की तरफ चला। यहाँ चार पुर चल रहे थे, मगर इस वक्त दो हकेवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजदूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, दो आदमी कहाँ गए, तो क्या जवाब देंगे, सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए। किसी ने मुंह से आवाज ना निकाली। सहसा सामने से दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पांव मन मन भर के हो गए। अब ना आते बनता था ना जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ी, शायद मजदूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ आओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा, कैसा मीठा मिठा कर बोल रहा है, उतनी ही भिगो भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की सब मैं ले लूंगा, जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। बाकी दोनों मजदूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढारस हुआ। सभी ने आकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पके पके छांट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आध घंटे तक चारों पुर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी ना जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए, एक आध घंटे का हरज हुआ यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आध घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे दिन भर में घंटे भर का भी काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफर था। यूं तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चलूं। महावीर को कहला भेजा, मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर,
तुम्हारा घोड़ा तो कभी इतना दुबला नहीं था, क्या आजकल सवारियां कम हैं क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं हैं, मगर लारियों के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहां दो ढाई तीन की मजूरी करके घर लौटता था, कहां अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं, बड़ी विपत्ति में पड़ा हूं। सोचता हूं इक्का घोड़ा बेच बाज कर आप लोगों की मजूरी कर लूं, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े ही को चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, दो चार बीघे खेत क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुक चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई गाहक लग जाए तो इक्के को औने बौने निकाल दूं, फिर घास छील कर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पतोह दोनों छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घरवाली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहां से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूं, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी, जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छा में 20 ही तांगे इक्के फिटने खड़ी थी, घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा, कोई लारी मिल जाए तो शहर चला जाऊं, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झावा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा, यह तो मुलिया है, बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहनी कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे, कोई उससे दिल लगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो उड़के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारने बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे, मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग, लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे, निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने जो गुलाबी पगड़े बांधे हुए था बोला, बड़ों के मुंह में पानी भर आया, अब मुलिया काहे को किसी और की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे, सब के सब कैसे उसकी वो टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, ना लजाती है, ना झिझकती है, ना दबती है, कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसीली आंखों से देख देख कर सिर का आंचल खिसका खिसका कर मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है, वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे हमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। हमले लारियों पर दौड़े, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले, कोचवानों ने भी झटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे, उन्होंने पापदान के पास घास रखवा ली, जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई, दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह ना सुन सका। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी,
आधे घंटे से यहाँ खड़े हूँ जैसे कोई मुर्दा खड़ा है। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गईं। मेतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? ये बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से चार पैसे की बीड़ियां पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे एक रुपया रोज ले लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना आना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आप ही का तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे एक रुपया रोज ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा ना करना, क्या फायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह असामियों से माल गुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहां उसने मुलिया की बाह पकड़ी थी मुलिया की आवाज कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूला, क्यों दौड़ती हो, मैं तो खड़ा हूं। मुलिया ने हांफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहिए थी, आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? हाँ एक दिन देखा था, क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात ना सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुरा कर कहा, यहां तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर ना जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं, उसी बाह गही की लाश तो निभा रहे हो, गरीबी आदमी से जो चाहे करावे, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सिंचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था, सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था, और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था।